बीज देना बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है, लोट ऑफ लोअर बॉर्डर बन रहे हैं, और अगर आप बने रहना चाहते हैं तो एक बहुत ही पास में स्टॉप लॉस लगा के रखिए, 219 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, उसके नीचे चाहे तो निकल जाइए, 2200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं और लोट ऑफ लोअर बॉटम 400 बन रहे हैं। अच्छा, टाटा पावर का 15 महीने का टारगेट जानना है नीतू कपूर को, 291 पे लिया इन्होंने। तो देखिए, टाटा पावर के पैटर्न की बात करें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बहुत पॉजिटिव है, कंसोलिडेशन जरूर दिख रहा है पिछले करीब 3-4 हफ्ते से, लेकिन ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है। अगर 6 से 8 महीने के टारगेट सेट करने होंगे तो वो करीब करीब 475 के हो सकते हैं, तो बिल्कुल बने रहिए और 50 डे मूविंग एवरेज पे ध्यान रखिए, उसके नीचे जाए तो आपको निकलना पड़ेगा। फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस आपको 350 रुपए के नीचे लगाना है। ओके, जरा चोलामंडलम का चार्ट दिखाइए, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट का। पिंकू कुमार कह रहे हैं कि लगातार नीचे नीचे जा रहा है, ये कैसे किस पॉइंट पे एग्जिट करें? इन्होंने लिया है तो अब वो, हाँ ये बात तो सही, गिर तो रहा है आज, हो सकता है कि NBFC पूरे दबाव में है तो इसमें भी उसका असर देखने को मिल रहा है, लेकिन इनके प्राइस से भी बहुत नीचे नहीं है, 1040 का इनका प्राइस है और 1028 पर भी है, ट्रेड कर रहा है। पेटीएम हुआ, फिर उसके बाद IIFL फाइनेंस हुआ, फिर अब GM फाइनेंशियल, तो तमाम NBFCs के ऊपर ये बहुत रेगुलेटरी इश्यूज हैं तो दबाव आ रहा है और इसीलिए स्टॉक पे प्रेशर है। चोला में क्या करना चाहिए मानस जी? तो कभी भी कोई मौका मिले, कोई रिकवरी देखने को मिले तो चोला से निकलिए, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर तो 15 जनवरी से खराब हुआ है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनने लगे थे, स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और अभी भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट पे जाएंगे तो 50 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, 950 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है, तो कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए। उछाल पर निकलिए इससे और आपके प्राइस के आसपास, ये तो कोई उछाल में तो निकल जाना चाहिए। एक और ट्रेड बहुत लोग पसंद करते हैं, ईशान शर्मा के थ्रू पूछ रहा हूँ मैं। ईशान शर्मा ने सवाल लिखा है, उनके पास 100 शेयर हैं जी एंटरटेनमेंट के, 165 प्ले, 1 से 3 महीने में प्ले करना चाहते हैं, अभी क्या 150 रुपये के आसपास होगा मेरे ख्याल, ये 153 पे है। क्या जी में किसी प्रकार का ट्रेड बनता है, क्या कोई दिखता चार्ट पे आपको? देखिए, जब तक कोई बॉटम फॉर्मेशन ना देखने को मिले, कोई रिवर्सल के साइन ना देखने को मिले, तब तक स्टॉक में निवेश या ट्रेड नहीं करना चाहिए लॉन्ग साइड पे, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम चार्ट पे बन रहे हैं। एक बहुत ही अहम सपोर्ट 170 के आसपास था स्टॉक, अब उसके नीचे भी कंफर्टेबली ट्रेड करने लगा है, उसको पैटर्न उस पैटर्न को देख के तो लग रहा है कि शायद यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, 125-130 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, तो अभी कोई मौका नहीं खरीदारी करने का, अगर मौका होगा भी तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होगा जो इस टाइम के लिए 177 है। हाँ, जो खबरों में बहुत रहते हैं ना शेयर, हर दिन एक खबर आती है उसमें, उस पर थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी दुनिया में उसका एनालिस कर सकता है कि जिसमें हर दिन एक नई खबर आ जाए, तो फिलहाल ऐसे शेयरों से आप लोग थोड़ा दूर रहें। अच्छा, परीन पटेल जी जानना चाहते हैं मेदांता के बारे में, जो हॉस्पिटल वाला है, ग्लोबल हेल्थ बेसिकली, 110 शेयर इनके पास, 547 के भाव पर इन्होंने लिया है। ये स्टॉक तो मेरे ख्याल में काफ़ी चल गया होगा, ये देखिए दुगने से ज़्यादा हो गया इनको, क्या करें, इसको प्रॉफिट बुक कर लें क्या मानस जी? देखिए, मैं तो बोलूंगा एक बार प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि अगर आप मंथली चार्ट पे जाइए, पिछले मंथ स्टॉक ने एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है और बड़ी रैली के बाद बनाया है, तो उसको देख के लग रहा है। मानस जी की आवाज रुक गई, फ्रीज हो गई, तो वो ये कहना चाह रहे थे, उनकी बात ये थी कि प्रॉफिट कर लीजिए इसमें, चूंकि आप ऑलरेडी डबल से ज्यादा में बैठे हुए हैं और मंथली पैटर्न पर कुछ बताना चाह रहे थे, अगर जुड़ेंगे तो हम दोबारा पूछेंगे कि वो क्या चीज़ है, लेकिन प्रेशर में है, प्रेशर में रह सकता आगे स्टॉक, और आप प्रॉफिट में तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मार्केट का हाल तब तक आपको बता देते हैं, इस समय फ्यूचर्स में क्या क्या चल रहा है। महानगर गैस में वो खबर थी, उसके बाद 14% स्टॉक नीचे है। L&T फाइनेंस होल्डिंग, एक और NBFC, 9% नीचे। आदित्य बिरला कैपिटल, एक और NBFC, 7% नीचे। मन्नापुरम फाइनेंस, अनदर वन, 7% नीचे। फिर गैस वाली दूसरी IGL, 6% नीचे। बहुत प्रॉफिट बना रहे हैं ये लोग गैस वाली कंपनीज, मानस जी गैस वाली कंपनीज बहुत प्रॉफिट बना रही हैं, IGL और MGL, आज जो उस बयान के चक्कर में टूट गई सब। शॉर्ट का मौका है लॉन्ग का? नहीं तो, देखिए शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम कुछ स्टॉक की बात करें, स्पेशली IGL और MGL की बात करें, वहां पर लोअर लेवल पे सपोर्ट है, कंसोलिडेशन दिख रहा है, तो मैं शॉर्ट करने के लिए नहीं बोलूंगा। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो मैं दोनों स्टॉक के बारे में बता देता हूँ। IGL में आपको स्टॉप लॉस 410 रुपए के नीचे लगाना है और MGL के केस में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो अब 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे होगा, 1300 रुपए के नीचे। लेकिन इस गिरावट पे खरीदारी करने की भूल ना करें, क्योंकि ऊपर की तरफ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है और सेलिंग प्रेशर में वॉल्यूम्स भी काफी ज्यादा है,
तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन रह गई है तो मैंने दोनों स्टॉप लॉस बताए हैं, वो ध्यान रखिए। मानस जी, पिरामल एंटरप्राइजेस और यूपीएल, इनमें एंट्री प्राइस क्या होगा जहां पे ट्रेड लॉन्ग साइड में इनिशिएट किया जा सकता है? तो देखिए, पिरामल एंटरप्राइजेस के केस में 980 रुपए के ऊपर ही आप खरीदारी करें, आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस 840 रुपए के रहेंगे। यूपीएल में अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 440 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखिए, और खरीदारी के मौके तभी होंगे जब स्टॉक में ब्रेकआउट 510 रुपए के ऊपर देखने को मिले। 510 के ऊपर यूपीएल बहुत कमजोर हो गया है, 450 के आसपास गया, इंडेक्स का स्टॉक था, अब इंडेक्स से बाहर हो गया है और गिरते 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 ये आधे से भी नीचे आ गया है। एक हाल की लिस्टिंग है, इस पर अगर आप चार्ट पे आपको मिले SBFC फाइनेंस, बहुत पुरानी लिस्टिंग, नहीं चार्ट पे मिलेगा क्या? नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। SBFC, ओके, नहीं छोड़ दीजिए, SBFC नहीं मिल रहा है तो कोई उसमें ज़रूरत नहीं है उसकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत जो छोटे होते हैं ना उसमें बहुत दिक्कत नहीं होती है, चार्ट उसमें मिलता नहीं है। अच्छा, इस पर बताइए सर, दीपक फर्टिलाइजर को करंट लेवल पे कुछ किया जा सकता भाई वगैरह? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए, स्टॉक में ट्रेंड निगेटिव है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 20-day मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करा, दो बार अटेम्प्ट किए पिछले 10 दिनों में स्टॉक ने 20-day मूविंग एवरेज को रीगेन करने के लिए, लेकिन दोनों बार वो फेल हुआ है। तो अब आपको वेट करना पड़ेगा, 540 के ऊपर निकलेगा स्टॉक तभी खरीदारी करें, उससे पहले खरीदारी ना करें। माने जी, बीच बीच में लोग मस्ती भरे सवाल भी करते हैं, तरुण गगनाली ने मस्ती भरा सवाल किया है, TCS 10,000 रुपए कब होगा, मेरे पास 500 शेयर है, बताइए। नहीं तो देखिए, ये तो कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ट्रेंड बता देता हूँ। ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है, अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो अभी स्टॉक ने कुछ टाइम पहले ही 2022 के हाईस को ब्रीच किया है, कंसोलिडेशन दिख रहा है, और आईटी स्पेस में अगर कहीं पर जो हैवी वेट्स है उनमें निवेश करके रखना है आने वाले 1 साल के लिए, तो वो डेफिनेटली TCS हो गई होगा। तो ये स्टॉक में हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए, अगर 1 साल के हिसाब से चले तो जो टारगेट होंगे वो 4,700 के आसपास के रहेंगे। अच्छा, अदर देन TCS, मानस जी, अगर आपको डिस्काउंट देना है कि साहब चुनाव है, फेड के रेट का पता नहीं क्या होगा आगे जाते हुए, एक बजट भी आएगा जुलाई में, बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट हैं जो जिसकी डिस्काउंटिंग लेते हुए अगर आपको दिवाली तक के लिए कोई एक इन्वेस्टमेंट का आइडिया निकालना हो तो क्या होगा वो, अगर तो अगर है तो? अच्छा, तो आप किसी भी स्पेस में दे सकते हो, राइट? हाँ, क्योंकि जो भी आपको लगता है ये सबसे सेफ बढ़िया स्टॉक है, ये सारे इवेंट को झेल भी सकता है ये। जी, तो देखिए, पहले तो स्पेस की बात कर लें, मेरे ख्याल से ऑटो एक ऐसा स्पेस है जहाँ अभी भी बहुत पोटेंशियल लगता है, और अमेरिका से बजट आने के बाद भी ये स्टॉक दौड़ेगा जरूर, ये सेक्टर जरूर दौड़ेगा। एक स्टॉक इस क्षेत्र में लेना होगा तो मेरे ख्याल से बजाज ऑटो एक ऐसा स्टॉक होगा जहां पर अभी भी आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर स्टॉक टू व्हीलर स्पेस में होगा तो बजाज ऑटो होगा, और अगर फोर व्हीलर स्पेस में होगा तो वो अब मारुति रहेगा जहां पर पोटेंशियल बहुत लगता है। तो बजाज ऑटो में अगर हमें 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम के हिसाब से टारगेट सेट करने होंगे तो मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताया है 9,700 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। और अगर हम मारुति की बात करें और 6 से 8 महीने की बात करें तो यहाँ पर आपको करीब 12,600-12,700 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोनों स्टॉक है और ये स्पेस ऐसा है जहां पर शायद बजट के बाद भी आपको मूव देखने को मिल जाएगा ऊपर की साइड। ओके, इसमें मारुति में एक दुविधा दूर करिए, 5 साल का अगर चार्ट देखेंगे तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 15-20% का रिटर्न है आज की तारीख, जबकि इतना चल गया है। नीचे से देखेंगे तो स्टॉक ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है, कैसे इसको क्या क्या बेस मान के चलेंगे? नीचे से चल गया इसलिए घबराना है या नहीं? अभी तो कहां, 5 साल का एवरेज देखो, 15% चला है। तो देखिए, दूसरी तरह से देखिए, 2018 के हाईस थे 10,000 के आसपास मारुति में, उसके बाद डिप देखने को मिला था, 4,000 तक स्टॉक गया और अब 10,000 के ऊपर निकला है। तो आपको अगर बेस बनाना है तो 10,000 के आसपास बनाना है, तो अभी तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी रैली हुई नहीं है। तो स्टॉक में अगर हम पोटेंशियल की बात करें आने वाले 2 साल के लिए, 1.5 से 2 साल के लिए, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको करीब करीब 2,500-3,000 पॉइंट की रैली भी देखने को मिल जाएगी। तो बहुत पॉजिटिव है चार्ट, बिल्कुल यहाँ पर निवेश करना चाहिए, हर गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए। हर ग्राउंड में खरीदारी करें, लॉन्ग टर्म एवरेज देखेंगे तो अभी 10% ही चला होगा, इसलिए मैंने कहा ये मन में आपके जरूर आएगा सवाल, तो ये मैं पहले ही क्लियर कर लेता हूँ। आखिरी सवाल, REC और PFC दो स्टॉक हैं जिसमें एक रिपोर्ट आई है आज, वो रिपोर्ट बड़ी मज़ेदार है। उनका मानना है कि कामकाज दोनों बढ़िया चल रहा है और पावर सेक्टर में बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, आगे जाती हुई चीज़ें होंगी, लेकिन REC पे उतना बुलिश नहीं है, वो PFC पे ज़्यादा है। आपको चार्ट पे दोनों में कौन सा अच्छा लगता है, हालांकि आज दोनों स्टॉक मजबूत हैं?
तो देखिए दोनों एक ही जैसे चलते हैं, मतलब अगर आप पूरी हिस्ट्री देख लीजिए तो दोनों स्टॉक एक जैसे ही परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ये चूज करना कि आरईसी बेहतर है या पीएफसी बेहतर है मुश्किल है, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम दोनों स्टॉक के ट्रेंड की बात करें तो दोनों स्टॉक के ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है और मैं भी बहुत बुलिश हूँ। अगर आने वाले 3 से 6 महीने की बात करें तो मेरे ख्याल से आरईसी में आपको 610 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, और पीएफसी की बात करें तो यहाँ पर आपको 530-540 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों के ट्रेंड पॉजिटिव है, दोनों स्टॉक में आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम रखना पड़ेगा। 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम रखिए। दोनों स्टॉक अच्छे हैं, दोनों में मजबूती है। मानस जी बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि मार्केट आज थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए बहुत ध्यान से ट्रेड करिएगा, फंसिएगा मत, और आवाज़ देखते रहिए। हम लोग रोज़ सुबह आपको बताते हैं कि कहाँ रिस्क बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा है। बहुत